माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं मरियम टुडू हजारीबाग वासियों की तरफ से मरियम जुहार। जी नमस्ते। नमस्ते सर, आपसे जनसंवाद करने के लिए हम हजारीबाग वासियों का एक सौभाग्य है। आजादी के इतने वर्ष हो गए सर, इतने वर्षों तक लोकतंत्र का सही लाभ सिर्फ पीआईपी और गणमान्य लोगों और गिने चुने लोगों तक ही पहुंचते रहा, लेकिन आज जब से आपकी सरकार ने इन 4 वर्षों में जनसाधारण तक लोकतंत्र का सही लाभ पहुंच रहा है, जिसमें हम कार्यकर्तागण और हमारे संसद साफ नियत और सही विकास के साथ में जनसाधारण तक लोकतंत्र को सही मायने में पहुंचाने में प्रयास कर। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मरियम जी, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं। हमारा देश का गरीब आदमी गरीबी है, हो सकता है अशिक्षा भी हो, लेकिन उसके संस्कार बहुत ऊंचे होते हैं। वे नियमों का पालन करने की कोशिश करता है, और जब नियमों के बाहर कुछ भी होता है उसकी पीड़ा उसको बहुत होती है। एकाध लाभ मिलने में वो वंचित रह जाए उसको तो वो झेल लेता है, लेकिन अपने वीआईपी कल्चर के कारण अगर वो फायदा उठा लें तो उसकी पीड़ा उसको ज्यादा होती है। कहीं पर टिकट के लिए खड़े हैं, 50 लोग कतार में खड़े हैं, और एक बड़े बाबू आ जाएं, उनको सब लोग कहेंगे आइए आइए आगे, और वो टिकट ले ले, और 50 लोग ऐसे ही खड़े रह जाएं, उसको पीड़ा होती है। किसी अस्पताल में भर्ती होने के लिए 30 लोग कतार में हैं, और कोई बड़े वीआईपी आ जाएं, उनके लिए तुरंत जगह हो जाए, तो उसका दर्द अनेक गुना बढ़ जाता है। ये जो देश में ये बीमारी फैलाई गई है, ये हमारे देश में ऐसी बीमारी नहीं थी जी। ये आजादी के बाद ये नए जो राजा महाराजा पैदा हो गए लोकतंत्र के नाम पर, उन्होंने पाप किया है, और इसलिए हमने वीआईपी की जगह ईपीआई यानी कि एवरी पर्सन इज इंपॉर्टेंट, हर सामान्य मानवी भी महत्वपूर्ण है की भावना को हम बल दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। और यही कारण है कि गाड़ियों से लाल बत्ती हटाने का फैसला सरकार ने लिया, वीआईपी कल्चर के जो सिंबल है उनको पहले खत्म किया जा रहा है, और धीरे धीरे वो मानसिकता भी दिमाग से निकल जाएगी। और आज तो मैंने देखा है गरीब के हाथ में भी मोबाइल फोन है, कहीं कुछ ऐसा देखता है तो वीडियो उतार करके अपलोड कर देता है, तो फिर जिसने ऐसी गलती की ना वो शर्मिंदा 10 दिन तक घर के बाहर निकलता नहीं, डरता है वो। आज गरीब को हमने ताकत दे दी है, ये जो वीआईपी वीआईपी चलता था सब अभी डिब्बे में बंद हो रहा है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक अवसरों की समानता खड़ी हो की जा रही है। आज साधन संपन्न को भी तेज इंटरनेट उपलब्ध है, और बहुत ही सस्ते दाम पर गरीब से गरीब व्यक्ति को भी 4G इंटरनेट से लाभ मिल रहा है। जिस कंटेंट तक, जिस किताब तक दिल्ली मुंबई जैसे शहर के अमीरों के बच्चों की पहुंच है, आज दूर दराज के आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों के लिए भी वो उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार तक, सरकारी सुविधाओं तक हर व्यक्ति की सीधी पहुंच हो, इसको किसी का सहारा लेना ना पड़े, ये तकनीक के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है।